हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का है। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले 2025 में जो बिहार बोर्ड में एग्जाम होने वाला है उसमें से आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर में, तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल पाई बाई टू, देन प्रूव दैट वाई जेड प्लस जेड जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू वन। आपको क्या प्रूफ करना है, याद रखना बुआ कि क्या करा, वन प्रूफ करना है। कितना बराबर, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर क्या, वन प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपको पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है 2025 जो एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड में उसमें से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा बाबू। सीधे इसको क्या करते हैं हम लोग, सोल्व करते हैं बहुत आसान तरीका से। ध्यान दीजिएगा बुआ, सबसे पहले क्या हम लोग को दिया गया है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल पाई बाई टू दिया गया है। इतना बराबर क्या करना है, हम लोग को इतना प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पे थोड़ा सा, तो हम लोग को जो दिया गया उसको सबसे पहले लिख लेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। आपको दिया गया इतना दिया गया, बराबर में क्या पाई बाई टू दिया गया है। समझे, क्या दिया गया बुआ, पाई बाई टू दिया गया है। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर क्या, वन लाना है। तो ध्यान दीजिएगा बुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहां पर देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई यहाँ पे है, क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है और प्लस में जेड है। तो देखिए हमको पता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है, ये क्या है प्लस टेन इनवर्स जेड है ना, इक्वल का बाहर कर दीजिए, क्या करना है इक्वल कर दीजिएगा इधर, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई टू माइनस क्या टेन इनवर्स जेड हो जाएगा। जिसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बुआ, टेन इनवर्स एक्स फिर प्लस टेन इनवर्स वाई इजिकल टू पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। इधर प्लस में था इक्वल में गया तो माइनस हो गया, कोई दिक्कत हुआ, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बुआ, ध्यान रखिएगा क्या होता है, याद रखिएगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इजकल टू होता है फॉर्मूला, क्या होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स इंटू वाई होता है। क्या होता है फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई। तो ध्यान दीजिएगा सेम दिया गया यहां पर भी, क्या टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई दिया गया है, तो हम लोग क्या इतना नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे जो कर सकते हैं इसे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं यहां तक। अब इक्वल में दिया गया है पाई बाई टू माइनस जेड इनवर्स एक्स, क्या कह रहा है कि पाई बाई टू माइनस जेड इनवर्स एक्स दिया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए कैसे गया, यहाँ पर भी फॉर्मूला एक बन रहा है कि देखिएगा पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स जेड बोला जा रहा है, तो इसका होता है वो याद रखिएगा, जब भी देखिए पाई बाई टू क्या बोला, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स जेड बोला जाएगा, तो इसको लिखेंगे कि कॉट इनवर्स क्या जेड लिखेंगे, क्या करेंगे कॉट इनवर्स जेड। कहां से आया ध्यान दीजिएगा बो, ये कहां से आया इसको भी ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई टू होता है ही नहीं पाई बाई टू। अब ध्यान दीजिए पाई बाई टू होता है, अब क्या करना बोआ, देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर, इसको लिख सकते हैं कि पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर से हम लोग फॉर्मूला निकाले, देखिए टेन को कहाँ भी इक्वल में भेज दिए तो क्या हो गया पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या है कॉट इनवर्स ए का एक्स आया, तो यहाँ पर देखिए जेड एंगल दिया है, देखिए जेड दिया गया है, तो जेड जेड की जगह क्या एक्स दिया गया तो एक्स लिखो या जेड लिखे, यहाँ पर आपको जेड दिया है तो जेड लिखेंगे, एक्स देता तो एक्स लिखते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या जेड दिया गया है तो जेड लिखेंगे, एक्स देगा तो एक्स लिखेंगे, तो आप क्या लिख सकते हैं बुआ कि कॉट इनवर्स जेड लिख सकते हैं, एक्स रहता तो एक्स लिखते, जेड है तो जेड, वाई रहता तो वाई लिखते, याद रखिएगा बुआ, ठीक है। एंगल में एंगल है कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला समझ में आया ना कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स सॉरी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या पाई बाई टू होता है। अब देखिए कॉट इनवर्स को यहाँ रख दिया, टेन इनवर्स को इक्वल में ले गए तो पाई बाई टू माइनस क्या टेन इनवर्स एक्स आ गया, जितना बराबर क्या कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दिया गया है, देखिए कॉट इनवर्स जेड आ गया क्योंकि जेड दिया गया है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे इतना समझ में लिखिएगा, यहाँ पे बुआ लिखिएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस
वाई बटे वन माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए इक्वल में दिया गया या कॉट दिया गया है, अब इसको भी हम लोग क्या करें टेन में कन्वर्ट कर देंगे। टेन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कॉट बस जेड बराबर फॉर्मूला तब हुआ कि टेन इनवर्स वन बाई क्या जेड आता है, क्या आता है जेड आता है। अब यू फॉर्मूला कहां से आया ध्यान दो बउआ मेरे, यहां से क्या हो गया कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला होता है कि टेन इनवर्स वन बाई एक्स होता है, याद रखिएगा क्या होता है बउआ कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है टेन इनवर्स वन बाई एक्स होता है। तो यहां पर क्या दिया गया था कि कॉट इनवर्स जेड दिया गया था, तो इसको नहीं लिख सकते कि टेन इनवर्स वन बाई जेड लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स जेड दिया गया है तो लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स वन बाई जेड, आराम से लिख सकते हैं कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए टेन में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहां भी टेन दिया था इसीलिए इसके इसको टेन में कन्वर्ट किया। ठीक है बुआ, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए ये टेन इनवर्स है तो इक्वल में ले जाए इधर ला दी, इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा बुआ हम लोग पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे हम लोग को बचेगा एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स इंटू वाई बचेगा। इक्वल में क्या चला जाएगा इधर चला जाएगा तो क्या टेन हो जाएगा, सिर्फ ये टेन हो जाएगा और क्या ये टेन इनवर्स वन बाई जेड हो जाएगा। देखिए इक्वल में इधर आएगा तो इनवर्स कैंसिल हो जाता है, अब क्या आएगा इधर आएगा तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि टेन इंटू और टेन इनवर्स वन बाई जेड, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा बहुत थोड़ा सा, एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, देखिए टेन और टेन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा वन बाई जेड आया। अब देखिये इसका फॉर्मूला आता याद रखिएगा, यहां पर समझिएगा बुआ थोड़ा सा कि tan इनवर्स और tan x बराबर होता है x होता है, क्या होता है x होता है, tan इनवर्स और tan से कैंसिल हो जाता है क्या बचेगा एंगल बचता है, तो एंगल में क्या x दिया तो x दिया, यहां पर एंगल में आपको क्या दिया गया है कि वन बाई जेड तो वन बाई जेड लिखेंगे, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। अब क्या करना है तिरछा तिरछा गुना कर देना है, जेड में गुना करना है एक्स प्लस वाई में और वन में गुना करना है वन माइनस एक्स इंटू वाई में, जेड से यहां गुना करेंगे बाबू तो ध्यान दीजिए लिख दीजिए जेड इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों में गुना करना है। इक्वल में क्या है वन में गुना कीजिएगा वन माइनस एक्स इंटू वाई में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स इंटू वाई ही हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है जेड में दोनों से गुना करना है, तो जेड में एक्स से गुना करते क्या जेड एक्स आ जाएगा, फिर प्लस जेड में वाई से गुना करें तो क्या जेड वाई आ जाएगा, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या हुआ बउआ लिखेंगे वन माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं पहले कि जेड वाई प्लस जेड एक्स लिख देंगे इसको। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पे क्या है माइनस में इक्वल में माइनस एक्स इंटू वाई, इधर आकर क्या आएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई हो जाएगा, इक्वल में क्या है वन है तो हुआ। देखिए तो हम लोग क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था हम लोग को, देखिएगा बउआ कि वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल में क्या है वन प्रूफ करना था। तो हम लोग को क्या आया है कि देखिए बउआ हम लोग को आ गया जेड वाई प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू वन। अब देखिये यहां पर देखिए आपको दिया गया है जेड वाई या वाई जेड देगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझे। अब इसको लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं कि वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल वन, ये भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, पहले जेड भी इंटू में है कहीं भी लिख सकते हैं, पहले जेड लिखे या वाई लिखे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग को देखिए तो प्रूफ क्या करना था बुआ कि वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल में क्या वन प्रूफ करना था। देखिए तो हम लोग को क्या आएगा प्रूफ हो गया कि नहीं, हम लोग का प्रूफ यहाँ पे हो गया। ये क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई बुआ 2025 एग्जाम के लिए, इसको आप लोग अच्छे से एक बार कर लीजिएगा, अपने से कॉपी में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार एक और क्वेश्चन पांच नंबर ये बता रहे हैं आपको, ये भी मोस्ट बीबीआई, ये देखिएगा क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। ये देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन बुआ कि प्रूव दैट 9 पाई बटा 8 माइनस 9 बटा 4 साइन वर्स 1 बाई 3 इक्वल 9 बटा 4 साइन वर्स 2 रूट 2 बाई 3, 2 रूट 2 बाई 3 प्रूफ करना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, ठीक है। इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे, आरएचएस प्रूफ कर लेंगे, सबसे आसान तरीका है। देखिए एलएचएस में हमको क्या दिया गया बुआ, ध्यान दीजिएगा, एलएचएस में आपको दिया गया है कि 9 पाई बटा में क्या है 8 है, फिर माइनस 9 पाई बटा क्या 4 और क्या साइन इनवर्स 1 बटा क्या 3 दिया गया है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, आपको 9 बटा 4 कॉमन दिख रहा है दोनों में, यहां भी देखिए 9 बटा 8 है या 9 बटा 4 है, तो 9 बटा क्या 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर थोड़ा सा, तो 9 बटा हम लोग क्या 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा वो ऊपर सिर्फ पाई बचेगा और नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा, कि 4 गुना 8 हो जाएगा,
फिर माइनस नौ बटा चार से नौ बटा चार कैंसिल होता है, एक बचेगा, एक में किससे गुना करेंगे, साइन इनवर्स वन बाई थ्री बता, क्या जाएगा साइन इनवर्स वन बाई थ्री हो जाएगा, कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए वो नौ बटा चार तो नौ बटा चार होगा, नौ बटा चार का नौ बटा चार, अब देखिए पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वन बाई थ्री, देखिए यहाँ भी एक फॉर्मूला कोई बन रहा है, ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ भी एक कोई फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या बोल रहा है कि पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स यहाँ वन बाई थ्री दिया, हम लोग एक्स लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बुआ, देखिए पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स होता है, ठीक है फॉर्मूला होता है। अच्छा ये फॉर्मूला आता कहां से, यहां ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू होता है, ये फॉर्मूला होता है पाई बाई टू, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, यहाँ इस साइन इनवर्स ये इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। उसी प्रकार में देखिए x का काम यहाँ वन बाई थ्री कर रहा है, क्या कर रहा है x का काम वन बाई थ्री कर रहा है, तो लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस साइन वर्स वन बाई थ्री की जगह कॉस इन वर्स वन बाई थ्री लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं लोग कि कॉस इन वर्स वन बाई थ्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या गया नौ बटा चार और कॉस इनवर्स वन बाई थ्री आ गया। अब देखिए क्या करना है, अब हमको तो प्रूफ क्या करना है, साइन में करना है, तो साइन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा बउआ यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले राइट एंगल ट्रेंगल को बना लीजिए, सबसे आसान तरीका राइट एंगल ट्रेंगल को बना लीजिए, यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल को बना लेंगे बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये हो गया, मान लीजिए ये ए हो गया, ये क्या बी हो गया, ये क्या सी हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ लेट कर लीजिए कि लेट लेट कॉस इनवर्स वन बाई थ्री बराबर क्या थीटा, मान लीजिए ये पे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक बटा तीन हो जाएगा, एक बटा तीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू एक बटा क्या तीन आ जाएगा। अब ध्यान देना बउआ कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच होता है, क्या होता है b बटे h होता है, b बटे h होता है, तो देखिए इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ac को बोलते हैं हाइपोटेनस, ab को बोलते हैं परपेंडिकुलर, bc को बोलते हैं बेस बोलते हैं, तो b बाई एच, तो देखिए b कौन बेस मतलब ये, तो बेस का मान कितना एक है तो एक लिखेंगे, ठीक है, और h का मान कितना आपको तीन है, इसका निकालना क्या परपेंडिकुलर मतलब ए बी निकालना है, मान लीजिए पी निकालना है, तो यहाँ मान सबको लिख दीजिए बुआ कि देखिए एच बराबर आपको दिया गया है तीन दिया गया है, बी बराबर आपको दिया गया है एक दिया गया है, और निकालना क्या है हम लोग को पी निकालना, पी मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू रूट अंडर बुआ क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए रूट अंडर का तो रूट अंडर ही होगा एच स्क्वायर बोला, एच का मान आपको कितना दिया गया तीन दिया गया है, तो क्या करेंगे तीन का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस बी, बी का मान कितना एक दिया गया तो एक का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा, तीन का स्क्वायर कितना होता है नौ होता है, माइनस एक का स्क्वायर एक होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि नौ में से एक गया तो क्या बचेगा आठ बचेगा, क्या बचेगा आठ बचेगा, अब आठ का स्क्वायर रूट क्या होता है टू रूट टू होता है, क्या होता है बाबू टू रूट टू होता है, तो किसका माना गया पी का माना गया, तो पी का मान हम लोगों का कितना गया टू रूट टू आ गया, क्या आ गया वो टू रूट टू आ गया, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बुआ टू रूट टू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए हमको निकालना क्या है साइन थीटा, क्योंकि साइन में प्रूफ करना है तो साइन थीटा निकालेंगे, तो लिखेंगे ध्यान दीजिएगा बउआ कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच होता है, क्या होता है पी बटे एच होता है, पी बटे मतलब क्या परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थीटा को यहीं पर रहने देंगे, ये कहाँ चला जाएगा इधर चला जाएगा, तो क्या जाएगा साइन इनवर्स पी बटे क्या एच हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स होगा, और पी का मान देखिए पी का मान आपको कितना दिया गया है, पी का मान आपको कितना है टू रूट टू है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे टू रूट टू लिखेंगे बउआ, क्या लिखेंगे टू रूट टू, और बटा एच का मान देखेंगे तो एच का मान कितना है तीन है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग तीन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे तीन लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए थीटा क्या हम लोग माने थे लोग, देखिए थीटा क्या माने थे लोग बउआ, थीटा क्या माने थे लोग कॉस इनवर्स वन बाई थ्री लिखे, क्या कॉस इनवर्स थ्री, अब लिख सकते हैं यहाँ पे थीटा के जगह पर कि कॉस
यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स, लेकिन यहाँ पर चार बटा नौ बटा चार भी इंटू में है, तो क्या नौ बटा चार हम लोग भी ले सकते हैं, लोग क्या ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बुआ कि नौ बटे चार, और थीटा की जगह क्या लिखना है हम लोग को, थीटा की जगह पर लिखना है कि क्या लिखना है, कॉस कॉस इनवर्स एक बटा तीन इज इक्वल टू में आया, इसके बराबर में क्या आया है कि साइन इनवर्स टू रूट टू, अब बटा में क्या आया है तीन आया है, तो देखिए तो हम लोग को LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया कि नहीं, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हम लोग का क्या आ गया प्रूफ हो गया बाबू।